गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट. शो दैट कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एक्स इन टू वाई फॉर्म अ सबस्पेस सी एक्स वाई ऑफ बी एक्स वाई. देखो क्या कि इसमें सी एक्स वाई जो है वो नॉन एम्प्टी है क्योंकि जीरो ऑपरेटर इज ऑलवेज अ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर. नाउ नॉन एम्प्टी है तो उसमें हम एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं. लेट टी वन एंड टी टू बिलोंग्स टू सी एक्स वाई एंड अल्फा इज एन स्केलर. देन वी प्रूव टी वन प्लस टी टू बिलोंग्स टू सी एक्स वाई एंड अल्फा टी वन ऑल्सो बिलोंग्स टू सी एक्स वाई. ये हम पहले प्रूव करेंगे. लेट एक्स एन बी एनी बाउंडेड सीक्वेंस इन एक्स एंड टी वन जो हमारा ऑपरेटर है एक्स टू वाई इज कॉम्पैक्ट. तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से सीक्वेंस एक्स एन हैज अ सब सीक्वेंस सच दैट एक्स एन जे जो हमारे पास सब सीक्वेंस है कि अगर हम टी वन उस पर लगाएं टी वन एक्स एन जे इज कन्वर्जेंट टू वाई बिलोंग्स टू वाई. नाउ एक्स एन जे इज बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ एक्स एंड टी टू इज कॉम्पैक्ट एंड एक्स एन जे अगेन हैज अ सब सीक्वेंस एक्स एन जे के सच दैट टी टू एक्स एन जे के इज कन्वर्जेंट टू सम से जेड बिलोंग्स टू वाई. नाउ टी वन एक्स एन जे के इज सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्स एन जे सच दैट टी वन एक्स एन जे के इज कन्वर्जेंट टू लिमिट वाई बिलोंग्स टू वाई. सो एक्स एन जे के इज अ सब सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स सच दैट टी वन प्लस टी टू एक्स एन जे के कन्वर्जेस टू वाई प्लस जेड बिलोंग्स टू वाई. तो यहां से टी वन प्लस टी टू क्या हो गया कॉम्पैक्ट. सिमिलरली वी कैन शो अल्फा टी वन ऑल्सो बिलोंग्स टू सी एक्स वाई. लेट एक्स एन बी एनी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ एक्स सिंस टी वन इज कॉम्पैक्ट सो बाई डेफिनेशन एक्स एन हैज अ सब सीक्वेंस से एक्स एन जे सच दैट टी वन एक्स एन जे कन्वर्जेस टू से वाई. तो अल्फा टी वन एक्स एन जे किसको कन्वर्ज कर जाएगा अल्फा टी वन एक्स एन जे जो है वो किसको कन्वर्ज करेगा अल्फा वाई को क्योंकि वो एलिमेंट हमने क्या कहा था टी वन एक्स एन जे किसको कन्वर्ज कर रहा है से वाई को. तो इसका मतलब अल्फा टी वन क्या हो गया कॉम्पैक्ट. तो सो सी एक्स वाई इज सब स्पेस ऑफ बी एक्स वाई. नेक्स्ट थ्योरम है इफ वाई इज अ बनाक स्पेस देन सी एक्स वाई इज क्लोज्ड इन बी एक्स वाई. फर्स्ट वी प्रूव एवरी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर इज बाउंडेड सो सी एक्स वाई इज कंटेन्ड इन बी एक्स वाई जो हमने अभी ऊपर प्रूव किया था. एंड लेट टी बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ सी एक्स वाई देन बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस टी एन ऑफ सी एक्स वाई सच दैट नॉर्म टी एन माइनस टी टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. देन वी प्रूव टी इज कॉम्पैक्ट बाय कॉम्पैक्टनेस ऑफ लिमिट ऑपरेटर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं टी बिलोंग्स टू सी एक्स वाई हैंस सी एक्स वाई कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स और अगर वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है तो वो क्या हो गया क्लोज्ड हो गया. नाउ सी एक्स वाई इज क्लोज्ड इन बी एक्स वाई. नेक्स्ट थ्योरम है इफ वाई इज अ बनाक स्पेस देन सी एक्स वाई इज ऑल्सो अ बनाक स्पेस. नाउ वी हैव प्रूव दैट सी एक्स वाई इज अ क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ बी एक्स वाई वेयर बी एक्स वाई इज कंप्लीट बिकॉज वाई इज कंप्लीट. है ना, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी अभी हमने प्रूव किया कि सी एक्स वाई जो है वो क्या है क्लोज सब स्पेस है बी एक्स वाई का और जो बी एक्स वाई है वो कंप्लीट है. क्यों? क्योंकि वाई क्या है कंप्लीट है. एंड एवरी क्लोज सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीट सो सी एक्स वाई इज कंप्लीट. कंप्लीट है तो वो क्या हो गया बनाक स्पेस हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ एक्स इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन शो दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इन टू जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स विद फिक्स्ड एलिमेंट्स वाई जेड defines a compact linear operator on x. Clearly t is linear. For fixed vector y in x, define f y x हमने define किया क्या inner product of x and y for all x belongs to x. Then f y क्या हो गया linear functional on x. क्योंकि जो inner product है वो क्या है हमारा continuous होता है हमारा. ठीक है. और अगर हम inner product लेते हैं किसी भी दो elements का तो inner वो हमें क्या देता है एक scalar आएगा. अभी डिपेंड्स कि वो हमारा रियल आएगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. एंड टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एक्स इंटू जेड. तो हमारा यहां से क्या हो गया टी इज कॉम्पैक्ट. लेकिन हुआ कैसे जो हमने ऊपर थ्योरम स्टार प्रूव की थी एक नंबर डाला हुआ है इसमें स्टार तो उस थ्योरम के रिजल्ट से हमारा टी क्या हो जाता है कॉम्पैक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब पीछे हमने किया हुआ रिजल्ट ऑलरेडी आप वहां से चेक कर सकते हो. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.